बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना फेवरेट फंड मिज़ान इंडेक्स ट्रैकर फंड के बारे में बात करने वाला हूं। ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर मैंने बताते खुद इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, और दूसरा इस फंड ने 2024 के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया कि इसने बेपना मुनाफा अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से इस फंड को डिस्कस करेंगे, और ये एक ऐसा फंड है जो कि लॉन्ग टर्म हाई रिस्क में होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देने का पूरी सलाहियत रखता है। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट और एक होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है कि आपने किसी ब्रोकर का अकाउंट ओपन किया, वहां पे पैसे डाले, आपने कंपनीज फाइंड आउट करना शुरू कर दी कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस पर मुझे करनी चाहिए, ये नीचे जा रही है, इस पर मुझे नहीं करना। तो मतलब हर चीज़ पर आपने नज़र रखनी होती है, इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर टेंशन होती है कि वो कंपनी ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, कहीं नीचे नहीं जा रही ताकि मैं ज़्यादा लॉस में ना चला जाऊं। तो वो हर चीज़ आपने अपने हिसाब से खुद करनी होती है और उसकी टेंशन भी सारी आपको होती है। लेकिन इसका एक, अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करें, तो आपके पास दूसरा वे भी होता है, उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका एक वे होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का एक सब कैटेगरी कह लें इंडेक्स फंड्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये एक इंडेक्स ट्रैकर फंड है मिज़ान का, ये KM130 इंडेक्स को फॉलो करता है। अब KM130 क्या है? KM130 जैसे कि नाम से वाजह कि इसके अंदर 30 इस्लामिक शरी कानून कवानीन के मुताबिक जो अपना कारोबार करती हैं उन कंपनियों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स के अंदर। अब मिज़ान उन 30 कंपनियों के अंदर इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। आपने सिर्फ इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन ये फंड आपके उस पैसे को 30 मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा जो कि सिर्फ उस KM130 के अंदर आती हैं। एक आसान सी मिसाल, फॉर एग्जांपल, हमने एक कमरे के अंदर 30 कंपनियों को दाखिल कर दिया है, तो अब हमने उस 30 कंपनियों को मॉनिटर करना है कि कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। तो ये फंड आपके बिहाफ पे क्या करता है कि उस 30 में से जो कंपनी ऊपर जा रही है उस पर इन्वेस्टमेंट कर देता है, और जो कंपनी नीचे जा रही है उससे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। तो इसी तरह वो हर चीज़ को मैनेज करता रहता है आपके बिहाफ पे। मैं यहाँ पे रीसेंट थोड़ी सी जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि मिज़ान इंडेक्स फंड यहाँ पे मेंशन है, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है KM130 की। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये किस किस कंपनी के अंदर कितने वेटेजेस यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। यहाँ पे डिटेल के अंदर मेंशन है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो मिज़ान इंडेक्स फंड का वो ये है कि ये इंडेक्स मिज़ान इंडेक्स 30 को फॉलो करता है, और इसकी जो तरीकाकार होता है वो होता है कि जी इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो देर वेटेजेस के हिसाब से होता है, यानी कि जितना वेटेजेस होगा उसके हिसाब से ये फंड उस कंपनी के अंदर उतनी इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे कि इस कंपनी यहाँ पे जो मेंशन है HUBC का वेटेज अब 13.1% है, तो ये मिज़ान इंडेक्स फंड इसके अंदर 13.1% जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बाकी कंपनियों के भी यहाँ पे डिटेल के अंदर मेंशन है कि किसका कितना वेटेजेस है, तो ये सारी मेंशन है। अब इसके अंदर 30 कंपनीज है, तो यहाँ पे बड़ी कंपनीज के अलहदा मेंशन है जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बनती हैं। बाकी जो 20 कंपनीज है उनका पोर्शन 24.6 है, वो कि छोटी छोटी उनके वेटेज है, तो यहाँ पे उनको सबको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है कि पावर जनरेशन के अंदर कितना, यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जनरेशन पे 13% है। इसके बाद कमर्शियल बैंक के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट है, फर्टिलाइजर के अंदर 17% है, सीमेंट के अंदर 7% है, ऑयल एंड गैस के अंदर जब 13% है। तो इसी तरह तमाम कंपनी वाइज जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसका कितना वेटेज है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब फंड को थोड़ा सा हम इसकी जो वेबसाइट पे डिटेल मौजूद है उसको देख लेते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है कि 85% जो है वो तकरीबन स्टॉक के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, टोटली जो है वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है यानी इंडेक्स के अंदर, और बाकी 15% वो लिक्विड में रखते हैं ताकि अगर कोई लिक्विड के अंदर कोई अच्छी फैसिलिटी आ जाती है, कोई सर्टिफिकेट्स के रेट अच्छे आ जाते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी अमाउंट को विड्रा करते हैं तो उनको भी तो पैसे देने होते हैं, तो वो भी यहाँ पर चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात की गई है जिसके अंदर आता है कि जी एक प्रोफेशनल टीम है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, और ये एक सुपरविजन है, रिप्यूटेबल एक्चुअरी एडवाइज़र है जो कि इस खास फंड का है, जो कि
इस फंड को खसूसी तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये गोल्स अगर आपके हैं तो फिर आपके लिए ये फंड अच्छा है। कास्ट एफिशिएंट वे टू इन्वेस्ट इन KM130 इंडेक्स, मतलब थोड़ी सी कास्ट, थोड़े से पैसे दे के, मतलब ये होता है कि अब आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, आपकी जगह पे आपके पैसे को डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको देख रहा है कि किस कंपनी ने ऊपर जाना है तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो वो बहुत लेस अमाउंट होती है जो आप उनको देते हैं और उसके बिहाफ पे ये आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपका गोल है कि जी आप KM130 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये वन ऑफ द बेस्ट फंड आपके लिए हो सकता है। उसके बाद ये फिलॉसफी है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और हाई रिस्क है और हाई पोटेंशियल है इसके अंदर, तो ये भी मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। और मजीद जो मेन पॉइंट है इस फंड का वो है फंड फैक्ट्स कि जी एक ओपन एंड फंड है। ओपन एंड से मुराद है कि आप जब चाहें इसके अंदर आ जाएँ, जब चाहें आप इससे निकल सकते हैं, इस पे टाइम की या कोई भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। फंड कैटेगरी एक इंडेक्स ट्रैकर फंड है जो कि KM130 को ट्रैक करता है। ये 2012 में लॉन्च हुआ था। इसका साइज इस वक्त 3.84 बिलियन है। इसका बेंचमार्क KM130 है। रिस्क इसका हाई है। जो भी यूजली जो है वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हाई रिस्क के अंदर आता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिटर्न आपको देते हैं। मैनेजमेंट फीस जो है 1% है जो कि तकरीबन कम है, और फ्रंट एंड लोड 2% है, मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त जो आपसे अमाउंट ली जाती है वो 2% यानी 1,02,000 रुपये। बैक एंड लोड, मतलब जब आप यहाँ से पैसे विड्रा करते हैं वापस तो यहाँ पे आपसे कोई भी किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते। ट्रस्टी यहाँ पे CTC है जिनके पास आपके पैसे पड़े होते हैं। लिस्टिंग PSX के अंदर है। फंड मैनेजर आसिफ इम्तियाज है। रेटिंग AM1 है। अब अगर यहाँ पे आप लोग इनकी फंड परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर 75% रिटर्न दिया है। मतलब अगर किसी ने एक साल पहले इसके अंदर 1,00,000 इन्वेस्टमेंट की थी तो 1,00,000 बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 1,75,000 हो गई थी। पिछले 2023 के अंदर ना पॉजिटिव था, नेगेटिव था। 2022 के अंदर ये -10% गया था, मतलब 1,00,000 के ऊपर आपको 10,000 का नुकसान हुआ था। और 2021 के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसको 1,00,000 पर 36,000 का रिटर्न मिला। इसी 2020 के अंदर भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो बताने का मकसद है कि ये एक लॉन्ग टर्म फंड है। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल लें, आपने 21 के अंदर इन्वेस्ट की थी, 21 में 36% पॉजिटिव किया था, फिर 22 में 10% नुकसान हुआ, 23 में कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, लेकिन 24 के अंदर फिर 75% आपको अच्छा रिटर्न मिल गया था। लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट अच्छे हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाता, लेकिन 2018-19 के अंदर जब वो गया था क्योंकि वहाँ पर कोविड था तो उसके बाद मार्केट डाउन थी, लेकिन लंबे अरसे के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग पिछले 5 साल की यहाँ पे इसके देखें डिटेल तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फंड कंसिस्टेंटली जो है वो ऊपर जा रहा है। 5 साल की अगर आप देखें यहाँ पे तो ये फंड ऊपर ही जा रहा है। देखिए नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये एक ऐसा फंड है जिस पर नुकसान होने का खतरा कम है। अगर आप खुद के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई ब्रोकर का अकाउंट ओपन करवा के, तो वहाँ पे शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी बैंक के थ्रू अगर इसके अंदर किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपके जो रिटर्न्स हैं वो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपको इससे अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आप कोई ऐसे पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको 2 से 3 साल 4-5 साल आपको ज़रूरत ना हो, तो फिर ये आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए आप लोगों को मिज़ान का एक फ़ंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख के इसका अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ई ट्रांजैक्शन में आएंगे और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा आपके सामने, और यहाँ पे सेकंड के अंदर आएगा सेलेक्ट फंड कैटेगरी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इंडेक्स फंड को चूज़ कर लेना है, इंडेक्स ट्रैकर को, और ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक ही फ़ंड प्लान आता है तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाएगा, वो भी एक ही होगा।
और वो है जी इंटरनेट बैंकिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट लिख दे दी है कि जी कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 लाख का फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आपके बैंक से 60 रुपये एक्स्ट्रा कट होंगे, तो आपने इसी के थ्रू जहाँ वो इस हिसाब से करना है। तो इस तरह आप इसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इनको आप लोगों ने ओके करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है यहाँ पे। उसके बाद प्लीज़ यूज़ योर रेफरेंस आईडी विद मेकिंग पेमेंट, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि किस बैंक से आप करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये आप लोगों ने टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे ये सारी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएंगी कि आपने कितनी अमाउंट डिडक्ट करनी है और आप लोगों ने कैसे करना है। उसके लिए आपको एक मेल आपके रजिस्टर मेल के ऊपर चली जाएगी, तो वहाँ पे मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। वैसे भी अकाउंट ओपनिंग वीडियो के अंदर ट्रांजैक्शन का प्रोसेस सारा समझाया गया है कि कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी फंड के लिए, एक उनकी माहाना की फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट होती है, तो आप अगर आप उसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद डिटेल के अंदर सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बेंचमार्क यानी KM130 कितना ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे KM130 यानी कि जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स को ये फ़ंड फॉलो करता है, जितना वो ऊपर जाएगा उसी हिसाब से ये हमारा फ़ंड भी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेंस रेशियो, जो कि टोटल बनती है सालाना 1.6%, तो जो कि कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा आपके लिए मौका है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अभी स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस हिसाब से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका इसके अलावा कोई और सवाल है जो कि रह गया हो इस वीडियो के अंदर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।